वैसा गाइस आई होप यू आर वेल यू वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पैकेदान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में अगर आप लोगों ने कुछ भी अचीव किया ना, वो कभी भी रातों रात आप लोगों ने अचीव नहीं किया होगा। अगर आप लोग डेली अपने रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो किसी भी बड़े मुकाम पर आप लोग आसानी से पहुंच सकते हो। इसको बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, जैसे आज की डेट में अगर आप लोगों की बॉडी पर फैट चढ़ गया है, आप लोगों की बॉडी पर मोटापा हो गया एक तरीके से, तो अगर आप लोगों को उसको कम करना है तो डेली आप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को दो चीज का कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा। एक है यहां पर आप लोगों की एक्सरसाइज, और इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आप लोगों का फूड। आप लोगों को कैलोरी इंटेक लेना कम करना है, यानी कि खाना उतना ही खाना है जितना आप लोग उसको बर्न कर सको, जितनी एक्सरसाइज कर सको, तो ही आप लोगों का फैट जो है वो कम होना स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कंसिस्टेंटली जब आप लोग इनको फॉलो करोगे रेगुलर, तभी जाकर आप लोगों के सामने ये रिजल्ट आएगा। तो कोई भी अगर रिजल्ट आप लोगों के सामने है ना, छोटे छोटे स्टेप आप लोग उठाते हैं, हर एक दिन छोटी छोटा काम करते हैं, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलते हैं। उन्हें मां जी ने पहाड़ तोड़ दिया एक एक पत्थर उठाकर, ऐसा नहीं था एक ही दिन में उसके पास से मशीन थी और तोड़ा और पहाड़ बना दिया। तो ये चीज आप लोगों रेगुलर, आप लोगों का डेली कंसिस्टेंट जब इफेक्ट जो एफर्ट आप लोगों का चलता है, तब जाकर ये रिजल्ट आता है। तो लगे रहो यार, भले ही चींटी की चाल पर चलो, पर रुको मत जिंदगी में अगर आप लोग रियलिटी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। बाकी रेगुलर अगर दो लेक्चर देखोगे तो कभी भी आप लोगों को करंट अफेयर में कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वीडियो के एंड में, अगर आप लोगों को लगे कि ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। ओके, टेलीग्राम है एग्जैक्ट आप लोगों के सामने, यहां पर इसे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। और अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, कई बार क्या रहता है नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो टेलीग्राम पर वीडियो बहुत पहले आ जाती है एज कंपेयर टू आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी इसके लिए पेमेंट आप लोगों नहीं करना है। तो इसको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। शानदार डिस्कशन रहेगा, पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में फिर एक एक चीज को हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आइए पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। टकटकी लगाकर देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को अटेंड कर सको, और इसके बाद में फिर आप लोगों ये सारी चीजें जो है वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो अच्छे से देखिए इसको क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है, 23 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बताना है। लेक तंजानिका के बारे में बात करेंगे, ये जो है लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अगर बात करें वर्ल्ड के अंदर में, और सेकंड डीपेस्ट यानी कि सेकंड सबसे गहरी लेक है किसके बाद में, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तीसरा एडिशन अभी यहां पर ये है समुद्र शक्ति, अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिला ये 20 से लेके 22 तक का सितंबर के महीने में, कहां पर सुनंदा स्टेट में। तो किन दो कंट्री के बीच में है यहां पर समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, ये आप लोगों को बताना है। TRIFED, ठीक है, इसके द्वारा MOU साइन किया गया अभी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ में, ताकि जो वन धन प्रोडक्ट है यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट है उनको बेचा जा सके ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, काफी अच्छा इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है TRIFED की, फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों से, पूछ लेगी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में ये आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया अभी यहां पर पूछे आप लोगों से, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो यानी कि जो फूड सेफ्टी के बारे में बात करें तो किसके द्वारा यहां पर ये रिलीज किया गया मंत्री, आपको यहां पर मिनिस्ट्री का नाम बताना है। और ये तीसरे नंबर का था, अगर बात करें फर्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी जो इंडेक्स था वो 2018-19 में रिलीज किया गया था यहां पर, ये याद रखिएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन ये रिलीज किया था। अब ये जून के महीने में डे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी की ये आप लोग को बताना है। ईट राइट मूवमेंट यानी कि सही खाना आप लोगों को खाना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। कोडेक्स्ट ये है यहां पर एल्यूमेंटेरियस ये कमीशन, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली एक ऐसा कमीशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा फूड के बारे में बात करता है कि खाना पीना आप लोगों का सही होना चाहिए। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर किसका ज्वाइंट बेसिकली यहां पर ये बॉडी बनाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है, काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा बिना किसी डाउट के साथ में। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में, जो इंपोर्टेंट डे है यहां पर ये बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब जब किसी इंसान के द्वारा बोला नहीं जाता है तो उसको साइन की हेल्प से बेसिकली समझाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी कई सारी, उसमें साइन के थ्रू बेसिकली चीजों को समझाया जाता है। इवन जब हमारा राष्ट्रीय गान चलता था यहां पर जो हॉल के अंदर में थिएटर के अंदर में, तो आप लोगों ने देखा होगा साइन लैंग्वेज के थ्रू भी उसको दिखाने की कोशिश की जाती थी उन लोगों के लिए जो लोग बेसिकली बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। 23 सितंबर है यहां पर ये बेसिकली जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के साथ में सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है, कल्चर डाइवर्सिटी है, खासकर उन लोगों को जिनको सुनता नहीं है, साइन लैंग्वेज के थ्रू उनके साथ में बातें की जा सके। थीम क्या है, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, यानी कि एक तरीके से साइन लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन राइट के लिए यूज की जाती है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो कि बोल नहीं पाते, जो कि बेसिकली सुन नहीं पाते हैं। ठीक है,
एक तरीके से, ठीक है, तो सुन नहीं पाते हैं, फिर बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइन लैंग्वेज के थ्रू ही बात की जाती है जिस इंसान को सुनता नहीं है या फिर बोलता नहीं है, तो ये आसान तरीका आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सोसाइटी में लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को पहुंचाया जा सके, ये इसका बेसिक पर्पज रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, वीडियो आज की थोड़ी सी छोड़ी रहेगी क्योंकि थोड़ा सा काम था मुझे तो थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए पर लेकिन टॉपिक सारे कवर करूंगा अच्छे से, टेंशन मत लेना, बस ये है कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर सुनना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जब थोड़ा सा लेक्चर जो होता है थोड़ा सा डिटेल में पहुंच जाता हूं तो कई सारे बच्चों को दिक्कत होने लगती है कि सर इतनी चीजें क्यों पढ़ाते हो, ऐसे भी कमेंट आते हैं इतनी चीजें क्यों पढ़ाते हो। एक इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे देखने को मिला, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर जितना फ्री में पढ़ा रहे हो उतना तो कई मैंने कोर्स खरीद रखा है, इतना वो पेड़ में भी नहीं पढ़ाते सर, बहाने करते रहते हैं। अरे कुछ नहीं है, जहां मिल रहा है पढ़ लो, ज्ञान है बटोर लो, ठीक है, उनका भी घर चल रहा है, चलने दो बेचारों का, आप लोग अपना पढ़ाई पर फोकस किया करो, इन सब चीजों पर नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ढंग से समझेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर सेव द चिल्ड्रन, सेव द चिल्ड्रन यहां पर ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी यहां पर ये बात की गई कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर जब आप लोग जाएंगे, अगर अपनी कंट्री आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एरिया होगी यहां पर ईस्ट अफ्रीका, थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर एक कंट्री है बुरुंडी, ठीक है, तो उसके द्वारा रिसेंटली अभी ये बोला गया कि काफी लार्ज स्केल पर इस पर्टिकुलर एरिया से जो लोग हैं, ठीक है, वो माइग्रेट हो रहे हैं यहां से, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो लेक है यह है लेक तंजानिका, तो इसके बारे में भी समझेंगे। लगभग 12,700 स्क्वायर माइल्स में फैली हुई ये लेक जो है, ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि एक साफ सुथरे पानी की सबसे बड़ी लेक है। अगर गहराई इसकी नापने के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सेकंड डीपेस्ट लेक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेक बाइकल इन रसिया, रसिया में लेक बाइकल है जो कि कई बार न्यूज में भी रहती है, इसके बारे में आप लोगों से इसको दिखाया भी था। तो यहां पर यह लेक जो है सबसे गहरी लेक है दुनिया की, दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर लेक तंजानिका देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वर्ल्ड में सेकंड अगर बात करें डीपेस्ट लेक कौन सी है तो लेक तंजानिका, इसको एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए, फिर लंबे समय तक आप लोग याद इनको रख पाएंगे। आप लोग यहां पर देखिए, वैसे आप लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूं साथ साथ में, आप लोगों ने नॉर्मली नाइल रिवर के बारे में सुना होगा, नाइल रिवर अफ्रीका के अंदर में है, ये दो बेसिकली लेक से आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो ब्लू नाइल निकल कर आती है, ये लेक किससे निकल कर आती है आप लोगों को बताना है, एक आती है व्हाइट नाइल निकल के और ये आती है लेक विक्टोरिया से। जब ये दोनों जाकर मिलती है सूडान के अंदर में, फिर ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इजिप्ट से होता हुआ जाकर ये मेडिटेरेनियन सी में गिर जाते हैं, तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ती है ये नदी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है रेड सी और ये इंडियन ओशन के बारे में बात की जा रही है। तो कई बार पूछ लिया जाता है व्हाइट नाइल और इसी के साथ में ब्लू नाइल के बारे में, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है व्हाइट नाइल जो है वो बेसिकली लेफ्ट वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था हमारा दिल कहां होता है, वो बेसिकली लेफ्ट साइड में होता है और दिल होता है हमेशा इंसान का साफ, यानी कि साफ दिल होता है। तो याद रखिएगा व्हाइट नाइल जो है यानी कि लेफ्ट साइड में है, दिल वाली साइड में है जो कि साफ होता है, तो व्हाइट एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है। वैसे सबके साफ नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से नहीं, किसी को ठग लेते हैं, किसी के यहाँ चोरी कर ली, मतलब इस तरीके से सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो क्रिमिनल माइंड भी आप लोग काफी सारे मिल जाएंगे। पर लेकिन आप लोगों को अब नहीं कहते कि जैसा देखोगे वैसा आप लोगों को लोग मिलेंगे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो अपना विचार अच्छा रखो, अपनी सोच अच्छी लगो तो आप लोगों को अच्छे लोग मिलेंगे हमेशा और आप लोगों की लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस आप लोगों को नजर आएगी। तो ये इसके बारे में बताया, अब थोड़ा सा बात करते हैं दूसरे लेक के बारे में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे यहां पर हम लोगों ने बात की किसके बारे में, जो पर्टिकुलर लेक है लेक तंजानिका, तो ये लेक आप लोगों को जो देखने को मिलेगी इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, ठीक है, इधर आप लोग जाएंगे तो ये तंजानिया हो गया, ठीक है, और यहां पर अगर आप लोग देखें तो जाम्बिया हो गया। तो ऐसा नहीं है एक कंट्री के साथ में कनेक्ट है, यहां पर बुरुंडी हो गया, तो कई सारी कंट्री इसके आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ और लेक के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, लेक तुर्काना आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ये लेक विक्टोरिया हो गई यहां पर, ठीक है, इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट लेक है लेक मालावी, तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। ये कई सारी लेक आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं रटनी नहीं है, ये सारी चीजें वो होती है जिनको आप लोग रेगुलर अगर मैप में देखते रहोगे तो आप लोगों को ये याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट कई बार न्यूज में भी रहता है अलग अलग रीजन की वजह से, तो इसलिए कोई भी मैप अगर आप लोग देखेंगे तो ध्यान से उसको देखा करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर एग्जाम के अंदर जब बैठो जाकर। लेक जो सिचुएटेड है यहां पर ये डिवाइड करती है बेसिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न अफ्रीका को, अगर आप लोग देखें यहां पर ये बेसिकली यहां पर ये काफी बड़ी बाउंड्री हो जाती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ऑयल पाम वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारा फ्लोरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, फ्लोरा क्या होता है पेड़ पौधे फूल पत्तियां, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। राइस वगैरह भी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा और इसी के साथ में हिप्पोपोटामस जो आप लोगों को नजर आएगा, क्रोकोडाइल यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे, तो ये बर्ड लाइफ जो कई सारी वैरायटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, अगर कोई भी लेक बनती है तो दो तरीके से आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, एक तो उसके अंदर कोई नदी आ रही है और एक उसके अंदर से कोई नदी जा रही है, तो यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग इसको
समझेंगे। तो इसके अंदर नदी आने वाली कौन कौन सी है, तो आने वाली नदी है यहां पर ये हो गई बेसिकली मालागारी, ठीक है, मालागारसी, ठीक है, ये हो गई यहां पर रुजुजी, ये हो गई यहां पर बेसिकली कोलंबो, ठीक है, तो इस तरीके से कोलंबो, ठीक है, तो यहां पर ये कोलंबो आप लोग बोल सकते हैं इसको, ये वाली है जो इसके अंदर आकर गिरती है, यानी कि तंजानिया के अंदर आकर गिरती है लेक तंजानिया का, ठीक है। अगर बात करें जाने वाली लेक कौन सी है, तो यहां पर लुकुगा, ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर ये आगे चलकर इसमें गिर जाती है, एक और लेक है जिसका नाम यहां पर ली है दी है यहां पर लुआलाबा, ठीक है, तो ये इसकी रिवर है अफ्रीका के अंदर में जो मैंने आप लोगों को बताई, यानी कि ये जो रिवर आकर गिरती है इस लेक के अंदर जिससे लेक बनती है और फिर इससे पानी भी निकल कर जाता है दूसरी साइड में यहां पर, तो जिससे यहां पर ये दो रिवर के नाम हो गए, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी चार कंट्री है ब्रुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया, जिसके बारे में आप लोगों को यहां पर बताया भी, ठीक है, तो ये हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया हो गया, ठीक है, यहां पर जाम्बिया हो गया और यहां पर ब्रुंडी हो गया, तो चार कंट्री के साथ में आप लोगों को ये पर्टिकुलर लेक देखने को मिल जाएगी। देखिए जब भी आप लोगों के सामने लेक्चर होता है ना, ये करंट अफेयर का लेक्चर नहीं होता है, अगर आप लोग बोलो कि इसमें करंट अफेयर है, नहीं करंट अफेयर नहीं है ओनली, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, जहां हिस्ट्री की बात आएगी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, पॉलिटी की बात आएगी पॉलिटी देखने को मिलेगी, इकोनॉमी की बात करेगी तो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के सामने आएंगे। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये करंट अफेयर का लेक्चर है, बस करंट अफेयर काम कर रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक बच्चा बोल रहा है कि सर दो घंटे करंट अफेयर को देंगे तो कहां जाएंगे, लेक्चर को ध्यान से देखो तो सही, क्या आप लोगों को लग रहा है करंट अफेयर आप लोगों का, करंट अफेयर में तो बस छोटी सी बात थी बता के साइड में हट जाता कि यहां पर लेक तंजानिया का है, उस लेक तंजानिया से क्या हो रहा है, लोग जो है डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको यहां पर इस तरीके से एक छोटी सी बात बढ़कर साइड में हो जाता, बता देता लेक तंजानिया का कहां पे काम खत्म हो गया। पर लेकिन आप लोगों को लोकेशन बताई, ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई, कई सारी नदियों के नाम बताए, तो ज्योग्राफी से यहां पर ये न्यूज कनेक्ट हो गई जाकर, तो इस तरीके से ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोगों करंट अफेयर का लेक्चर रहता है, करंट अफेयर पार्ट होता है लेक्चर का, पर लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर दो घंटे में करंट अफेयर है, दो घंटे में करंट अफेयर नहीं, दुनिया भर की नॉलेज मिल रही है वो देखो, ठीक है, तो इस तरीके से उसको लेकर चलोगे तो माइंड में थोड़ा सा होने रहेगा, एक थोड़ा सा माइंड में शांति पड़ जाएगी कि हाँ यार करंट अफेयर को ही दो घंटे दे रहे हैं, ठीक है, और वैसे दो घंटे होते हैं यार लगभग मिला के डेढ़ घंटा बैठता है अगर प्रॉपर वे में देखा जाए, 50-55 की वो वाली वीडियो होती है, 40-45 की ये वाली वीडियो होती है, मतलब पूरे घंटे एक एक मिनट गिनोगे, जहां पढ़ने की बात आती है वहां पर ऐसे गिनोगे तुम चीजों को, वैसे बोलने लोगों मूवी देखने बैठ जाओ घूमने बैठ जाओ वहां तो घंटे नहीं गिनते होंगे आप लोग, चलिए सही है पढ़ाई कर लो थोड़ा सा जिंदगी भर, फिर ऐसे ही घूमते रहना मजे करना, ठीक है, एक बार सिलेक्शन ले लो। आगे बात करते हैं एक एक्सरसाइज के बारे में, ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, समुद्र के अंदर शक्ति दो कंट्री के बीच में देखने को मिलेगी, दोनों है आई आई, याद रखिएगा समुद्र शक्ति एस एस मिलकर काम करते हैं, आई आई यानी कि इंडिया इंडोनेशिया, तो इस तरीके से याद रख लेना भूलोगे नहीं, ठीक है, जैसे मुझे याद मुझे हो गई इस तरीके से तो आप लोगों भी हो जाएगी, समुद्र शक्ति एस एस इंडिया और इंडोनेशिया इस तरीके से देखना, ठीक है। ये अभी सितंबर के महीने में देखने को मिली सुनंदा स्टेट के पास में, जो सुनंदा स्टेट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडोनेशिया के अंदर में, तो तीसरा संस्करण था इसका, ये तो तीसरा संस्करण था इसका, मतलब अभी स्टार्ट की गई है, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, अभी स्टार्ट की गई है, सही पकड़े हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके अंदर बेसिकली यहां पर ये निकल कर आई समुद्र शक्ति एक्साइज 2018 में स्टार्ट हुई थी, तो यहां पर अभी आप लोगों को तीसरा संस्करण देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यानी कि 2018-19-20 में तो आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते सबका एक अलग ही माहौल था। अगर बात करें बायलेटरल रिलेशन इनहेंस करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंटर ऑपरेबिलिटी, तो ये देखने को मिलेगा, बायलेटरल रिलेशन मतलब बायलेटरल मतलब दो कंट्री मिलकर जब रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब एक दूसरे के साथ में आप लोग बातें करते हैं तो एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ये इंसान कैसा है, ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होती है, मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर पाते हैं, अच्छा ये इंसान इस नेचर का है इसके साथ में ऐसे काम करना चाहिए, वो इंसान उस नेचर का उसके साथ में वैसे काम करना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि आप लोग उसका नेचर भी समझ पाते हैं, ऑपरेट कैसे करना है एक दूसरे के साथ में मिलकर वो भी काम हो पाता है, तो एक तरीके से बायलेटरल रिलेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटर ऑपरेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी दोनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में, तो ये नेवल एक्सरसाइज है, ओके। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी कंट्री का शिवालिक और इसी के साथ में कदमत, यहां पर कदमत, ठीक है, तो ये नेवल शिप है जो कि इंडिजिनियसली डेवलप किए गए हमारी कंट्री के द्वारा, इंडिजिनियसली अपने आप बनाए भाई साहब, किसी ने हेल्प नहीं की हमारी, तो हम लोग अपने आप काम कर रहे हैं। और एंटी सबमरीन जो कॉर्वेट देखने को मिलेगा, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी विरोधी जंगी जहाज, तो ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबल लॉन्ग रेंज जो मैरीटाइम यहां पर रिकॉन्सेंस यानी कि सैनिक प्रशिक्षण का एयरक्राफ्ट जिसका नाम है P8I, ये भी पार्टिसिपेट यहां पर कर रहा है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन यहां पर। अब यहां पर मैप भी आप लोग देख लीजिए इसका, किसके बारे में बात की जा रही है। इंडोनेशिया कंट्री यहां पर हो गई, इंपॉर्टेंट मैप है, ध्यान से सुनेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर्टिकुलर एरिया से। कई बार पूछा जाता है कि मलक्का स्टेट कहां पर है, तो मलक्का स्टेट साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है किसके साथ में, यहां पर आप लोग आएंगे इंडियन ओशन के साथ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अंडमान निकोबार वाला अपनी कंट्री का एरिया आ जाएगा। सुनंदा स्टेट जो है वो आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया सुनंदा स्टेट। तो ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है जावा सी के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर एरिया हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ में यहां पर ये है लोमबुक स्टेट, ये किस किस को कनेक्ट करता है ये आप लोग बताइए। अगर बात करें पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि जो ये मलक्का स्टेट हो गया, यहां से होते हुए चाइना का सारा माल जाता है, पर लेकिन ये स्टेट के साथ में चाइना की कई बार झड़प रहती है इन कंट्री के साथ में, तो इसलिए चाइना हमेशा ऑल्टरनेटिव रूट खोलता है यहां से बाहर निकलने का। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंडोनेशिया ये कंट्री है आप लोगों के सामने, अपनी कंट्री के इधर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल जाएगी। ऊपर यहां पर सिंगापुर है, टिप पर ही आप लोगों को यहां पर सिंगापुर देखने को मिलेगा मलक्का स्टेट के, ठीक है। यहां पर तिमूर लिसेते ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया होगा, पापुआ न्यू गिनी हो गया यहां पर, और यहां पर फिलीपीन देखने को मिलेगा, और ये हो गया मलेशिया। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग तभी देख पाएंगे जब भी मैप में कोई न्यूज आ जाए, तुरंत जाकर उसके ऊपर झपट्टा मारो और एकदम से देखो कि कहां पर क्या क्या चीजें, ताकि कंफ्यूजन न हो। ये मैंने आप लोगों से बात करी इंडियन नेवल एक्सरसाइज के बारे में। एक है गरुड़ा शक्ति, तो गरुड़ा शक्ति के बारे में याद रखिएगा, गरुड़ा शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। यानी कि नेवल एक्सरसाइज का नाम बता दिया मैंने, समुद्र शक्ति, और गरुड़ा शक्ति है यहां पर एक तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। पर लेकिन कंफ्यूज मत करना गरुड़ा शक्ति को गरुड़ा के साथ में, ठीक है, गरुड़ा के साथ में कंफ्यूज मत करना। गरुड़ा देखिए, वो गरुड़ा कौन सी मूवी में होता है, वो अरे वो नहीं थी, नाम याद नहीं आया मूवी का यार, एक मिनट उन्हें उसे लास्ट में मारता है पानी में से निकल के, बिल्कुल वो गरुड़ा वो अपनी, अरे यार इतनी अच्छी मूवी थी, नाम निकल के हद हो गई, अरे KGF यार हद हो गई, बिल्कुल ऐसे ऐसी मूवी के भी नाम बुलवाओगे आप उसमें रहता नहीं गरुड़ा लास्ट में उसको निपटाता है, ठीक है। तो उसके साथ में याद रख लेना, जब गरुड़ा के बारे में बात करें तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो उसका KGF का पार्ट 2 भी आएगा, भी घमासान मस्त वाला पार्ट आएगा। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज है वो है गरुड़ा, गरुड़ा शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, और समुद्र शक्ति आप लोगों को मैंने बताई दी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस किसी भी टॉपिक को लेकर माइंड में क्लैरिटी रखनी है। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज निकल कर आ रही है। यहां पर बात की जा रही है TRIFED के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नाम से नजर आ रहा है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, यानी कि एक तरीके से ट्राइबल रिलेटेड जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केटिंग का काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, और कैसे उसको कनेक्ट करना है इंटरनेशनल के साथ में वो चीजें करती है। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है प्योरिटी एग्रोटेक के साथ में मिलकर झारखंड के अंदर में इसके द्वारा भी बात की जा रही है पर्ल फार्मिंग के बारे में। मोती नहीं होते हैं, ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी की साइड से अगर कुछ भी ऐसे मोती निकल कर आते हैं तो उनको कैसे मार्केट में लेकर जाना है और कैसे बेचना है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली प्योर्टो जो एग्रोटेक है यहां पर ये सोल्ड करेगी 141 ट्राइबल इंडियन जो आउटलेट्स हैं उनको यहां पर वेरियस ई कॉमर्स साइट पर। समझने की कोशिश कीजिए काम क्या है बेसिकली। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, कोई ट्राइबल कम्युनिटी वाला एरिया हो गया, मान लीजिए वहां पर कुछ प्रोडक्ट वो निकाल कर लेकर आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अगर बेचना है उनको, तो उनके पास में तो कोई ऐसा नहीं है मोबाइल है, इंटरनेट है, फोन है, ऐप है कोई, तो उसको कनेक्ट करने का काम करती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में आती है। कोई पूछ ले कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेड ऑफिस वैसे तो न्यू दिल्ली में, पर लेकिन आप लोगों को 13 इसके रीजनल ऑफिस भी देखने को मिल जाएंगे अलग अलग एरिया में। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो ट्राइबल जो यहां पर पीपल है उनके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। उनके रिलेटेड डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनकी मेटल हो गए, क्राफ्ट हो गए, ट्राइबल टेक्सटाइल हो गए, उनके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं मार्केट में कैसे बेचना है तो उसका काम करती है। मेन दो फंक्शन है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होते हैं डेवलप जो भी यहां पर निकल कर आते हैं बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर से, और रिटेल मार्केटिंग और डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो यानी कि उनके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने का काम करते हुए ये नजर आएंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके द्वारा यहां पर ये काम किया जा रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर झारखंड के अंदर में, जिसको आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें इसका एक MOU भी साइन किया गया था, ई ग्रोसरी बिग बास्केट के साथ में, ये भी याद रखिएगा, बिग बास्केट के साथ में यहां पर इसके द्वारा भी MOU साइन किया गया था, ताकि वन धन जो प्रोड्यूस है उनको ऑनलाइन बेचा जा सके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो प्योरिटी एग्रोटेक है इसके सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इनटू वन धन जो विकास केंद्र क्लस्टर है, तो उसको डेवलप करने की बात इनके द्वारा की जाती है। और अभी 25 के करीब इनके द्वारा यहां पर ऐसी बेसिकली डेवलप भी की गई है अलग अलग एरिया में। आगे अगर बात करें इसके बारे में, तो देखिए काफी इंपोर्टेंट है यहां पर, ताकि इस तरीके से प्रोडक्ट अगर निकल कर आते हैं तो जहां जहां पर भी वाटर बॉडीज है, मान लीजिए वहां पर कोई कीमती पत्थर निकल कर आता है तो उसको यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी का, तो उसको बेचा जाए, तो एक तरीके से काफी इंपोर्टेंट है। जो भी पैसा वहां से निकल कर आएगा फिर इनकी लाइफ को चेंज करने में काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करेगा।
तो ये सारे काम कौन कर रहा है, TRIFED, तो ये यहां पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप बेसिकली न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया अभी थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी कि फूड की सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में कई सारी मैं बात करूंगा जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हेल्थ के बारे में भी आप लोगों को यहां पर कई सारी चीजें जानने को मिलेगी जो कि आप लोग याद रखेगा। अभी अगर बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा तीसरा इंडेक्स स्टेट किया गया, पहले तो ये याद रखिएगा, यहां पर ये फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन जो है वो देखने को मिलती है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील के तरीके बात करें, यानी एक तरीके से यहां पर अगर मोबाइल फूड सेफ्टी टेस्टिंग रहेंगी तो कहां कहां पर खाना खराब है उसके बारे में हम लोग पता लगा पाएंगे। आप लोगों को याद होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी साउथ इंडिया में, बेहतरीन मूवी थी, उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से किन चीजों में मिलावट की जाती है और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, तो हर एक लेवल पर कोई ना कोई मिलावट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कई बार बोला जाता है कि इंसान खाना नहीं जहर खा रहा है आज की डेट में, ऐसी कंडीशन है, इसीलिए दुनिया भर की बीमारी सामने निकल कर आती है, तो फूड सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए मोबाइल वैन बनाई जाती है कहीं पर भी जाकर फूड को तुरंत चेक किया जा सके, फूड सेफ्टी इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री देखने की कोशिश की जाती है। अगर बात करें यहां पर द इंडेक्स, अगर बात करें इंडेक्स जो है वो डेवलप किया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इसीलिए बोलता हूं पेन और कॉपी लेकर बांटना, जहां जहां मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट बातें वो आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूंगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो सीधी सीधी बात है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आएगी, क्योंकि हेल्थ के बारे में बात कर रही है। इसको बनाया गया था एक एक्ट के थ्रू, जो कि 2006 में एक एक्ट आया था, 2006 में एक्ट आया, उसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, पर लेकिन ये 2006 में नहीं बनी, बॉडी बनी बनकर जाकर 2011 में, 2011 में ये बॉडी बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसकी जो चेयरपर्सन है वो है रीता तेवतिया, ठीक है, तो ये रीता तेवतिया इसकी चेयरपर्सन है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया गया है। तो यहां पर बेसिकली इनके द्वारा अलग अलग एरिया में यहां पर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कई सारे बेसिकली यहां पर स्टेटमेंट दिए गए कौन कौन किस तरीके से है, कौन कौन किस लेवल पे है। तो अगर लार्ज स्टेट के बारे में बात करें तो गुजरात जो है वो टॉप रैंकिंग है, तो गुजरात वालों को कांग्रेचुलेशन, ये टॉप रैंकिंग पर है यहां पर लार्ज स्टेट में, फॉलोड बाय केरला और तमिलनाडु, जहां पर खाना जो है वो एक तरह से साफ सुथरा है ये बात बोली जा रही है। छोटे स्टेट में यहां पर गोवा है, तो गोवा वालों को बहुत ज्यादा बधाई, गोवा वालों को भी यहां पर अच्छा खाना मिल रहा है खाने के लिए, तो अच्छी बात है, फॉलोड बाय मेघालय और मणिपुर। अगर बात करें यहां पर बेसिकली यूटी के अंदर जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, ये काफी सरप्राइजिंग लगा मुझे जानने में कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी काफी अच्छे लेवल की चीजें देखने को मिलती है, ज्यादा करप्शन नहीं है। अंडमान निकोबार के अंदर भी काफी कुछ सही है, और फिर न्यू दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी के जो दूसरे राज्य बच गए, जो बड़े बड़े राज्य हैं, खासकर अगर बात की जाए जैसे कि मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम कंडीशन जो है वो खराब ही नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि कई लार्ज स्केल पर करप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो यहां पर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो था 2018-19 में यहां पर ये तैयार किया गया था पहले नंबर का, और फर्स्ट एवर जो प्रस्तुत किया गया था, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया था, तो 7th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया था, तो इस दिन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिला था। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यार, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो फिर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन गलत करोगे, तो इसलिए कंफ्यूज आना तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर और बताऊं यहां पर, हमारी कंट्री में ईट राइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ये इनिशिएटिव किसका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ताकि हमारी कंट्री में फूड के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके, और इंटरनेशनल लेवल पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंट्रीस, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इसको फूड कोड भी बोलते हैं, तो आप लोगों को फूड कोड तो देकर वो बताएगा नहीं, क्योंकि आप लोग तुरंत पकड़ जाओगे, तो CA लिखा हुआ मिलेगा, कोडेक्स एलिमेंट्रीस, तो ये लिखा हुआ मिलेगा और बोलेगा ये किस चीज से रिलेटेड है, तो फूड सेफ्टी के बारे में ये बात करते हैं बेसिकली, कैसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, और ये बेसिकली कोडेक्स जो एलिमेंट्रीस कमीशन है, ये जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी। आप लोगों से एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, अभी रिसेंटली 2020 में, आप लोगों को याद है 2020 में नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, जाकर देखिएगा उसको, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वो बेसिकली मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में बताइएगा किस क्या है उसका नाम, ठीक है, कई बार बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने देखी होगी बेसिकली वीडियो जिससे मैंने सारे आप लोगों को नोबेल प्राइज बढ़ाए थे, तो वहां पर भी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिविजन हो जाएगा इसी बहाने से आप लोगों का। देखिए रिविजन जहां पर भी मौका मिले ना, रिविजन तुरंत किया कीजिए, ठीक है, ताकि लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रह जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है, तो कई सारे हैं। बाकी अगर फूड प्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो हमारी कंट्री में आप लोगों को बताया था लगभग 10% हम
हम अपना टोटल खाना है उसको हम लोग पैकेट में प्रोसेस कर पाते हैं ओनली। चाइना जो है वो 25% कर पाता है और जो यूएसए है वो 60% से ऊपर अपना फूड जो है वो पैकेजिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं। और ये पूरा जो फूड प्रोडक्शन का जो सिस्टम चलता है इसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड पर 30% के करीब ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो कि ग्लोबल को अर्थ को वार्म यानी कि गर्म करने का काम करती है। तो यानी कि इससे भी काफी सारी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है। ट्रांस फैट को कोशिश की जाती है कम किया जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो फिर बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की साइड से निकल कर आ रही है। दो दिन का रिव्यू यहां पर इनका देखने को मिला, 8-lane highway का यहां पर बेसिकली जो कि दिल्ली से मुंबई आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं यहां पर जो कि इंपोर्टेंट होगा, वो क्या होगा यहां पर देखिए आप लोग, ये जो हाईवे चलने वाला है ये कहां कहां से होता हुआ जाएगा। तो ये दिल्ली से मुंबई पहुंचेगा, तो आप लोगों से ये पूछ लेंगे किस किस एरिया से सबसे ज्यादा होकर गुजरता है, आप लोगों को बेसिकली ये बताना है किस राज्य से सबसे ज्यादा होकर गुजरता है। तो सबसे बड़ा पोर्शन इसका राजस्थान से गुजरेगा 380 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से गुजरेगा 370 किलोमीटर, गुजरात से गुजरेगा 300 किलोमीटर, ये महाराष्ट्र से गुजरेगा 120 किलोमीटर और हरियाणा से गुजरेगा 80 किलोमीटर। तो टोटल मिलाकर कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और हरियाणा से होकर गुजरता है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बोला गया कि आधा दूरी करेगा यहां पर, जहां 24 घंटे लगा करते थे ट्रेवल करने में, अब आसानी से इंसान जो है यहां पर 12 घंटे में ही पहुंच जाएगा अपना इन राज्य से होते हुए आसानी से अगर उसको मुंबई जाना है। तो ये एक तरीके से अगर ऐसे हम लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे तो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है जब ये बनकर तैयार होगा 2023 में तो हमारी कंट्री का जो 12 lane का ये एक्सप्रेस वे है ये वर्ल्ड में सबसे लंबा, ये इस तरीके का एक एक्सप्रेसवे होगा वर्ल्ड में सबसे लंबा जो कि 1380 किलोमीटर लंबा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। हरियाणा जो है हरियाणा में कहां से स्टार्ट हो रहा है, हरियाणा में सोहना से स्टार्ट हो रहा है यहां पर ये और पहुंचेगा कहां पर, ये मीरा ब्यांदर जो मुंबई के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर पहुंचेगा। कनेक्ट किस किस को करेगा यहां पर, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम दे रखे हैं जैसे कि जयपुर हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर कासिमगढ़, अजमेर, कोटा, यहां पर चित्तौड़गढ़, तो ये कई सारे उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, इसी के साथ में वडोदरा, सूरत, तो यानी कि इन सारे एरिया से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि गुजरात के साथ में यहां पर मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में इधर से होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैंने अभी यहां पर बताई। तो अगर इन सिटी पर भी कोई लोग रहते हैं तो उनसे भी आसानी से कनेक्टिविटी हो पाएगी, मगर उनको भी आसानी से डिस्टेंस जो है काफी कवर होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो ये काफी इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अगर बात करें पर्टिकुलर चीज के बारे में तो बोला जा रहा है कि 320 मिलियन के करीब यहां पर जो बेसिकली एक तरीके से फ्यूल जो है उसको सेव कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात की जाए तो कार्बन डाई एमिशन भी काफी ज्यादा हम लोग कम कर पाएंगे क्योंकि आसानी से यहां पर पहुंच पाएंगे। तो कई सारे लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं जो मैंने भी आप लोगों को बताई। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये मत बोलना कहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। वैसे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं जो कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी खुशी की बात है यहां पर, वो ये है कि इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा यहां पर ये बोला गया कि एक 30 किलोमीटर का एक कनेक्ट यहां पर इसके साथ में बनाया जाएगा। वो 30 किलोमीटर का कनेक्ट कर इसको जो रिसेंटली अभी यहां पर जो जेवर एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है नोएडा के अंदर में, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, तो जेवर के अंदर में, तो उसके साथ में इसको कनेक्ट किया जाएगा ताकि और आसानी से कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर यहां पर उतरकर उधर जाना चाहता है तो आसानी से जा सके। तो ये और अच्छा एक तरीके से कनेक्टिविटी का रास्ता इनके द्वारा खोजा जा रहा है। ठीक है, तो काफी एक बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं अगर सही से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर इंटरनेशनल न्यूज है, यहां पर जो बेसिकली बात की जा रही है इंडिया और यूएसए मिलकर स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी क्या होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो उसमें मिलकर काम करेंगे। तो इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो है ये लॉन्च की गई। मिनिस्ट्रियल मीटिंग जब देखने को मिली, पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस मिनिस्टर है और यूएसए की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी मिली, तो दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर बोला गया कि यार हां इस पे काम करते हैं। अगर बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में तो ये लॉन्च किया गया था यूएसए और इंडिया की जब यहां पर मीटिंग हुई कि हम किस तरीके से क्लीन एनर्जी को आगे लेकर चलेंगे। तो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा था 2030 का, उसके ऊपर काम किया गया और ये समिट यहां पर 2021 में इसी साल अर्लियर यहां पर देखने को मिली। यूएसए और इंडिया का जो एजेंडा है पार्टनरशिप का, उसमें स्ट्रॉन्गर बायलेटरल कोऑपरेशन रहेगा, इनके दोनों कंट्री मिलकर काम करेगी और कैसे आगे आने वाले टाइम में पेरिस एग्रीमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो दो गोल रहेंगे, एक तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप रहेगी और क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग रहेगा। यानी कि यूएसए हमको हेल्प करेगा हमारी कंट्री में चीजें डेवलप करने के लिए ताकि हमारी कंट्री में डेवलप की जा सके। तो यूएसए यहां पर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे हमारी कंट्री को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये निकल के आ रही है कि इंडिया और यूएसए जो है एनर्जी के फील्ड में यहां पर स्ट्रेटजिक एनर्जी ये पार्टनरशिप में पहुंच गए, नॉर्मल से स्ट्रेटजिक में आ गए, यानी कि और अच्छे लेवल पर अब हम लोग आपस में मिलकर यहां पर काम करेंगे, रिवैम्प करेंगे स्ट्रेटजिक एनर्जी जो पार्टनरशिप है इसमें। एडिशनल फिफ्थ पिलर यहां पर जो एनर्जी फ्यूल जो कि क्लीन एनर्जी एड किया जा रहा है, इसी के साथ में इंटर गवर्नमेंटल एंगेजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। पांच पिलर आप लोगों को क्या क्या नजर आएंगे यहां पर, पावर और एनर्जी के फील्ड में काम करेंगे, ऑयल और गैस के फील्ड में काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में, और इसी के साथ में इमर्जिंग जो फ्यूल है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा आने वाले टाइम में। इमर्जिंग फ्यूल में क्या-क्या आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को यूज करने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में, ठीक है, एथेनॉल को यूज करने की बात की जा रही है डीजल पेट्रोल के अंदर मिलाकर, कई सारी चीजें हैं। तो सपोर्ट करेगा इंडिया का जो टारगेट है 450 गीगावाट का 2030 तक का, हालांकि इसको तो आसानी से हम लोग अचीव कर लेंगे, अभी तो लगभग 800 से भी ज्यादा हम लोग यहां पर इसको अचीव करने की बात करें 2030 तक का, तो यूएसए इसमें काफी बड़ा हेल्प करेगा हमारा ताकि यहां पर आगे मिलकर काम कर सके। इंडिया और यूएसए बायोफ्यूल में भी मिलकर काम करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इंडिया यूएसए जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें भी मिलकर काम कर रहा है, 2008 में साइन किया गया था। अगर बात करें मेजर एस्पेक्ट जो है डील का, इसके बारे में याद रखिएगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसको एनएसजी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो हमारी कंट्री जो इंडिया के साथ में जो यूएसए के साथ में मिलकर काम करती है, तो मेजर एस्पेक्ट जो डील का है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो यहां पर हमारी कंट्री को छूट देता है, जबकि हम लोग इसका पार्ट भी नहीं है, तो इससे हमको फायदा मिल जाता है बिना पार्ट हुए भी, वरना ऐसे एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं मिलती किसी को अगर उसका पार्ट नहीं है, तो उसको रोका जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। ट्रांसफॉर्म करेंगे यहां पर गैस टास्क फोर्स भी, ताकि इंडिया यूएसए आगे चलकर गैस के ऊपर भी काम कर सके। तो कई सारे एरिया है जिसमें इंडिया और यूएसए मिलकर काम करने वाले, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें एनर्जी के बारे में हम लोग बात करें इंडिया और यूएसए के बारे में, ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बात करेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में 2021 के, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन भी अगर पूछ ले जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तैयार कौन करता है, इंडिया की रैंक कितनी यहां पर, तो यहां पर 46 आप लोगों को इंडिया की रैंक यहां पर देखने को मिली। अगर पूछे कि तैयार कौन कौन करता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा, जो कि यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये WIPO जो है यहां पर ये बेसिकली इसको पब्लिश करती है। एम इसका ये रहता है कि मल्टी डायमेंशनल जो यहां पर कहां पर इनोवेशन हो रहा है इसको चेक किया जा सके, और 132 के करीब इकोनॉमी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ब्राजील इसके साथ इसमें और कौन कौन मिलकर काम करते हैं जिनके द्वारा यहां पर ये देखने को मिलती है, कोऑपरेट कौन करता है, ब्राजील नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसी के साथ में इको पेट्रोल कोलंबिया का है, और यहां पर तुर्किस एक्सपोर्ट असेंबली, तो ये पब्लिश किया जाता है पार्टनरशिप में, इनके साथ में पब्लिश किया गया, ठीक है। इंडिया की अगर रैंक आप लोग लोकल एरिया पे पूछो, तो लोकल एरिया में सेकंड रैंक देखने को मिली इसमें 34 जो मिडिल इनकम इकोनॉमी थी, हमारी रैंक पहली थी अगर 10 इकोनॉमी के बारे में बात करें जो कि सेंट्रल और साउदर्न एशिया की थी। और गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंप्रूव परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के फील्ड में, हमारी साइंस के फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो यहां पर हमारी इंप्रूव हुई परफॉर्मेंस, तो इसलिए हमारी यहां भी रैंक जो है थोड़ी इंप्रूव हुई। टॉप पांच कंट्री कौन है यहां पर, ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए और यूके आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर जो यहां पर अगर बात करें, पहली बार इसमें टॉप फाइव में आ गया साउथ कोरिया, ठीक है, तो टॉप फाइव में साउथ कोरिया फर्स्ट टाइम 2021 में एड हुआ, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से यहां से भी बन सकता है। एशियन कंट्री में अगर बात करें, फोर एशियन इकोनॉमी जो है टॉप 15 में यहां पर सिंगापुर, चाइना, जापान और हांगकांग आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात करें, ठीक है, सिंगापुर यहां पर 8वें नंबर पर है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया जो है उसके बारे में एक सेकंड, चाइना 12, चाइना 14, ये क्या है, गड़बड़ हो गई, चाइना यहां पर 12 है, 14 नहीं है, ठीक है, तो इसको कट कर देना, यहां पर चाइना 14 नहीं है, 12 है, ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं आप लोग यहां पर इसको। अगर बात करें यहां पर ट्रेजेक्टरी जो है इंडिया की अच्छी चल रही है, इंडिया की जो रैंक थी 81 थी यहां पर 2015 में, अभी 2021 में 46 आ गई है, तो इसका मतलब हम लोग ग्लोबल लेवल पर हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि हम लोग काफी अच्छे लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं है किसी से भी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे छूट गए यहीं पर, तो हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, जो कि आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ता हूं। ये जो बेसिकली न्यूज है स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं, और वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगी एनवायरमेंट के बारे में, तो कहीं पर भी कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं। चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, जैसी बारिश हुआ करती थी यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, अभी वैसी बारिश देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पैटर्न जो है वो फिलहाल अभी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी बातें यहां पर बोली गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है जिसको NAPCC बोलते हैं, तो इसके द्वारा यहां पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल
उन क्लाइमेट बनाई थी उसके द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा बेसिकली एनवायरमेंट पर ध्यान रखने के लिए काउंसिल बनाई गई थी जो कि इसके बारे में चेक करती है। आप लोगों अगर बात करें यहां पर तो ये बेसिकली मेजर करिए कि इंडिया में कहां कहां पर आज की डेट में अगर देखें किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो जून से लेकर, देखिए आप लोगों को मानसून का पता है हमारे देश में कब से कब तक आता है, जून से जुलाई अगस्त सेप्टेंबर, तो चार महीने आप लोगों को देखने को मिलेगा। जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर चार महीने हमारी कंट्री में मानसून आता है, तो उस चार महीने में सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में। पर लेकिन अभी वहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश, फ्लड आ जाती है यानी ये बाढ़, और कहीं पर सूखा पड़ जाता है, ऐसा पैटर्न अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहा है यहां पर लोगों को कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अगर बात करें यहां पर इसी के तरते, अगर इसी के चलते यहां पर बात करें तो यूनिक टोपोलॉजी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, स्टेप स्लोप कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो रिवर के कोर्स भी कई बार चेंज होते रहते हैं, यानी कि पहाड़ से रिवर आ रही है, कोई पहाड़ खिसक गया तो रिवर का पैटर्न चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। हिली एरिया काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहां पर नजर आते हैं, कई सारे डेवलपमेंट भी किए जाते हैं वो भी इंपैक्ट डाल रहे हैं यहां पर काफी लार्ज स्केल पर, तो रीजनल और ग्लोबल लेवल पर दोनों जगह आप लोगों को इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे। प्री मॉनसून और मॉनसून के टाइम पर जो रेनी सीजन है उसमें काफी सारे चेंज होते हुए नजर आएंगे। नॉर्मली ये देखा जाता है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि पिछले चार महीनों से आप लोग अपना वेट कम करने की कोशिश करें, एक महीने में आप लोगों ने 3 किलो किया, एक महीने में 2 किलो किया, एक महीने में 4 किलो किया, ठीक है। तो इस तरीके से एक और महीना अगर यहां पर लगा ले तो इस तरीके से आप लोगों का पैटर्न चल रहा है, तो मैं बोलूं कि आप लोगों का एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, तो चारों महीने का क्या करना है, चारों महीने का आप लोगों को बेसिकली एड करके 4 से उसको डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों का एवरेज निकल जाएगा यहां पर। तो इसी तरीके से किस किस ईयर में, किस किस ईयर में ज्यादा बारिश हो रही है उसको एड कर फिर यहां पर डिवाइड किया जाता है, तो पूरा लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला जाता है इनके द्वारा, उसके बेस पर देखते हैं कि बारिश नॉर्मल रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है या फिर बिल्कुल खराब होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर उसके चलते जब चेक करते हैं तो कई सारे पैटर्न चेंज होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसी एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात करें यहां पर इंक्रीज रेनफॉल होता है कई सारे एरिया में, और कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिवर में फ्लड आ जाती है, और दूसरी टाइम पे कई बार कम भी नजर आएगा। फैक्टर क्या है इसके, एक तो कई बार देखने को मिलेगा मॉइस्चर है और ड्रोथ वाली टुगेदर देखने को मिलेगी कंडीशन, यानी कि सूखा और गीला सब एक साथ में आ रहे हैं। अगर बात करें इंक्रीज हो रहा है स्नोफॉल काफी लार्ज स्केल पर यूरेशियन रीजन में, यह भी है। चेंज हो रहा है पैसिफिक जो यहां पर डिकेडल जो ऑक्सीलेशन है उसकी वजह से भी देखने को मिल रही है, और सनस्पॉट इपोक ये भी यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज का आप लोग क्वेश्चन है, चलिए ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ये सन इपोक, ये सनस्पॉट इपोक क्या है इसके बारे में जाकर पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्या, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना भी, ठीक है। देखता हूं ज्योग्राफी कैसी पढ़ रहे हो आप लोग। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी, तो इतना टोटल आज का डिस्कशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले एक कोटेशन देखिए, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, यहाँ पर फिर हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज तो नहीं थी, खैर शॉर्ट न्यूज तो नहीं बोला जाएगा इनको, लॉन्ग न्यूज ही हो जाती है, कई सारी चीजें हो जाती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कई सारी लेख के बारे में समझा। इसके साथ में हम लोगों ने मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखा और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की, डिफेंस रिलेटेड न्यूज थी यहाँ पर, ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज देखी। इसी के साथ में अगर बात करें हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बात की फूड सेफ्टी के बारे में, और ये भी हम लोगों ने जाना इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है हमारी कंट्री में। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट यहां पर है, जो बेसिकली दिल्ली मुंबई को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात की, इंडिया की रैंक क्या है और क्या क्या चीजें। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने बात की जियोग्राफी के बारे में या फिर पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो ये हम लोगों ने देखा। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोगों को इनको अटेम्प्ट करना है। थीम बतानी है आप लोगों को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन के बारे में, देखिए फीडबैक देकर जरूर जाया करो, ठीक है, ताकि पता चलता रहे लेक्चर कैसा है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर बताना है डीपेस्ट जो लेक है वो कौन सी है वर्ल्ड में, यहां पर अभी जो रैंकिंग यहां पर इंडिया और जो किस कंट्री के बीच में समुद्र शक्ति एक्सरसाइजेस के बारे में बताना है। TRIFUD के बारे में आप लोगों को बताना है, यहां पर किसके साथ मिलकर काम करिए, फुल फॉर्म क्या है इसकी ये बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट जो यहां पर सेफ्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है ये बताना है, यहां पर कब लॉन्च किया गया था ये पर्टिकुलर इंडेक्स, ये डेट आप लोगों को बतानी है। ईट राइट मूवमेंट किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया था, और यहां पर कोडेक्स ये एलिमेंटेरियस कमीशन जो है किसके द्वारा मिलकर यहां पर बेसिकली बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहां पर देने हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट डे का यहाँ पर वर्ल्ड राइनोज डे के बारे में बात की थी, तो थीम बतानी है। वर्ल्ड रोज डे के बारे में बात की थी, तो इसके बारे में एम बताना है क्यों सेलिब्रेट किया था। इसी के साथ में यहाँ पर स्टेट ऑफ पावर अटेंशन के बारे में बात की थी ईस्ट एशियन समिट के बारे में, तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी ईस्ट एशियन ग्रुप में फर्स्ट टाइम यहाँ पर 1991 में बनाया गया और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, तो ये है यहाँ पर बेसिकली मताहिर बिन मोहम्मद, तो याद रखिएगा किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं ये आप लोगों को बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये बताना है, कौन सी कमेटी के द्वारा बोला गया बैड बैंक बना लो अगर बचना है तो ये बताना है, NARCL की फुल फॉर्म बतानी है, और एरोस्पेस कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा रेक्स मैक 2 ये पर्टिकुलर रोबोट तैयार किया गया। तो बेसिक इंफॉर्मेशन कई बार बन जाती है, समझ लेते हैं यहां पर।
बेसिकली क्या क्या बात की जा रही है, वर्ल्ड राइनोज डे जो है ये देखने को मिलेगा, थीम 5 राइनोज स्पीसीज फॉरएवर, ठीक है। वर्ल्ड रोज डे इसका एम होता है कैंसर पेशेंट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना। इसी के साथ में यहां पर जो थीम थी 15th एशिया समिट एनर्जी थी, जो यहां पर बेसिकली ईस्ट एशियन समिट एनर्जी मिनिस्ट्री जो मीटिंग थी इसकी थी, वी केयर वी प्रिपेयर एंड वी प्रोस्पर, तो ये थीम थी। ईस्ट एशिया ग्रुपिंग की जो फर्स्ट प्रमोशन, जो फर्स्ट टाइम यहां पर इसको प्रमोट किया गया 1991 में, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे ये। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। जो कि एनपीए के बारे में बात करी थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, केवी कामत के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बैड बैंक को बोला गया बनाओ जल्दी से, ताकि एनपीए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टैकल किया जा सके। इसी के साथ में नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये है बेसिकली नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है। तो जी कंपनी एक लिमिटेड जो कि यहां पर इसके बारे में बात करती है कैसे बैड लोन को कनेक्ट करना है। इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्री के बारे में याद रखिएगा, इजराइल की एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है वो यहां पर रैक मैक 2, तो यहां पर इसके द्वारा बनाया गया, जो कि एक रोबोट है जो काम करेगा बैटल फील्ड के अंदर काफी शानदार तरीके से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा रहा जरूर बताएगा, और पीडीएफ कहां से जाकर डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी सारी पीडीएफ। फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, दो तरीके हैं फीडबैक देने के, एक तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, डिसलाइक कर सकते हैं, इससे पता चलेगा कैसी लगी वीडियो को, और 10 में से मार्क्स भी आप लोग दे सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे यहां पर दो तरीके हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं आप लोग यहां पर। इसी के साथ में ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, अगर लग रहा है आप लोग सोशल मीडिया पर है तो मेरे साथ भी आप लोग यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट मिलता हूं, ब्रो को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।